आइए अब देखिए कि नाउन कितनी तरह के होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं। एक नाउन जो है वह एक कॉमन नाउन हो सकता है या प्रॉपर नाउन हो सकता है। वह नाउन एक सिंगुलर नाउन हो सकता है या प्लूरल नाउन हो सकता है या कलेक्टिव नाउन हो सकता है। एक नाउन काउंटेबल नाउन हो सकता है या नॉन काउंटेबल नाउन हो सकता है। एक नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है या कॉन्क्रीट नाउन हो सकता है। उसके अलावा अदर टाइप्स ऑफ नाउन हो सकता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मास नाउन शब्द को मैं पसंद नहीं करता क्योंकि मास नाउन शब्द को हम कंफ्यूज कर सकते हैं कॉन्क्रीट नाउन के साथ जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उल्टा होता है। एक तरह से मास नाउन को हम मेटीरियल नाउन के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं मास नाउन शब्द को काम में कम लेता हूं। पर एग्जाम में अगर सवाल आए मास नाउन नाउन पे तो आपको पता होना चाहिए कि मास नाउन नॉन काउंटेबल नाउन का दूसरा नाम है। देखिए एक ही नाउन इनमें से कई जो है हिस्सों में पढ़ सकता है, कई क्लासेस में पढ़ सकता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपकी क्लास जो है उसको मैं डिवाइड करना चाहूँ तो मैं कई तरह से उसको बांट सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। लड़के लड़कियाँ अलग अलग कर सकते हैं तो वह एक डिवीजन हुआ। जिनकी ऊंचाई 4 फुट से कम है और 4 फुट से ज़्यादा है उनको अलग अलग कर सकते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ। जो 12 साल से कम है और जो 12 साल से ज़्यादा है उनको अलग अलग कर सकते हैं, वह एक और क्लासिफिकेशन हुआ। तो अगर कोई एक लड़का है जो कि 14 साल का है और 4 फुट से बड़ा है तो वह लड़कों वाली क्लास में भी जाएगा पढ़ेगा, जो 4 फुट से बड़े हैं उस क्लास में भी पढ़ेगा, और जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है उसमें भी पढ़ेगा। तो वही लड़का तीन डिफरेंट क्लासेस में, तीन डिफरेंट हिस्सों में जो है क्लास के शामिल होगा। इसी तरह से नाउन होते हैं कि वही नाउन एक कॉमन नाउन हो सकता है, साथ साथ वो एक सिंगुलर नाउन हो सकता है, साथ साथ वे एक काउंटेबल नाउन हो सकता है, साथ साथ वे एक कॉन्क्रीट नाउन हो सकता है, तो कई क्लासेस में पढ़ सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ शब्द बुक, तो बुक एक कॉमन नाउन है, सिंगुलर नाउन है क्योंकि एक किताब की बात कर रहे हैं, काउंटेबल नाउन है क्योंकि बुक को हम गिन सकते हैं, और कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि हम बुक को छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये मत सोचिए कि नाउन से इनमें से सब में से एक ही क्लास में पड़ेगा। नाउन हर नाउन जो है इनमें से लगभग सभी क्लासेस के डिवीजन जो है उनमें पढ़ सकता है। हियर आर टाइप्स ऑफ नाउन्स। अ नाउन कैन बी अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन। इट कैन बी अ सिंगुलर नाउन और अ प्लूरल नाउन और अ कलेक्टिव नाउन, और इट कैन बी अ काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन, ऑल्सो कॉल्ड मास नाउन, और इट कैन बी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अ कॉन्क्रीट नाउन, और इट कुड बी अदर टाइप्स ऑफ नाउन अबाउट विच वी विल टॉक लेटर। आई डू नॉट लाइक द वर्ड मास नाउन विच इज अनदर नेम फॉर नॉन काउंटेबल नाउन बिकॉज मास नाउन कैन बी कन्फ्यूज विद द वर्ड कॉन्क्रीट नाउन विच इज ऑपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मास नाउन कैन ऑल्सो बी कन्फ्यूज विद द वर्ड मेटीरियल नाउन विच रिप्रेजेंट्स वेरियस मेटीरियल्स लाइक आयरन कॉपर एक्सेट्रा। सो बट यू शुड नो दिस वर्ड इन केस इन एग्जाम दिस वर्ड कम्स, सो यू शुड नो मास नाउन इज अनदर नेम फॉर नॉन काउंटेबल नाउन्स। नाउ ईच नाउन कैन फॉल इन टू एनी ऑफ दीज कैटेगरीज एंड मोर देन वन कैटेगरीज। सो सिंगल वर्ड लाइक बुक इज अ कॉमन नाउन, इट्स अ सिंगुलर नाउन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन बुक, इट इज ऑल्सो अ काउंटेबल नाउन बिकॉज वी कैन काउंट बुक्स, एंड इट्स अ कॉन्क्रीट नाउन बिकॉज वी कैन टच इट, इट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। सो डोंट इमेजिन दैट द एनी नाउन विल जस्ट फॉलो और फॉल इन ओनली वन ऑफ दीज कैटेगरीज। नो, इट कैन फॉल इन मल्टीपल कैटेगरीज। लाइक इफ योर क्लास आई डिवाइड इट इन टू डिफरेंट वेज, लाइक आई सेपरेट बॉयज फ्रॉम गर्ल्स, दैट इज वन डिविजन। I can separate those who are above 12 years of age and less than 12 years of age, that is another definition division.
और आई कैन डिवाइड बाय दोज हु आर टॉलर देन 4 फीट और लेस देन 4 फीट टॉल, सो दैट्स अनदर डिविजन. सो अ बॉय हु इज मोर देन 12 ईयर्स ऑफ एज, हु इज मोर देन 4 फीट विल फॉल इन टू 3 divisions. He will fall into the division for boys when I was doing division between boys and girls. Will also fall in division of people who are more than 4 feet tall, and will also fall in that division where there are kids more than 12 years of age. So the purpose of explaining that is that each noun can fall in multiple categories of types of nouns. सो अ नाउन कैन बी अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन. एक नाउन जो होता है एक या तो वह कॉमन नाउन हो सकता है या प्रॉपर नाउन हो सकता है. कॉमन नाउन जो होता है वह कोई खास चीज की बात नहीं करता. जो कॉमन नाउन का शब्द होता है, कॉमन नाउन के अंडर में जो शब्द आते हैं, वे किसी खास इंसान, जगह या चीज के बारे में बात नहीं करते. एग्जाम्पल के तौर पर शब्द जैसे कि मैन, वुमन, चाइल्ड, ये पर्संस के आइडेंटिफाइंग शब्द हैं. पर हम मैन शब्द किसी भी मैन के लिए काम में ले सकते हैं, वुमन शब्द किसी भी वुमन के लिए काम में ले सकते हैं, चाइल्ड शब्द किसी भी चाइल्ड के लिए काम में ले सकते हैं. तो ये कॉमन नाउन है. इसी तरह से प्लेस को दर्शाने वाले कॉमन नाउन है, सिटी, स्टेट, कंट्री, प्लैनेट, लैंड और सैकड़ों ऐसे शब्द जो कि जगह को दर्शाते हैं, पर कॉमन नाउन है क्योंकि किसी भी सिटी को हम सिटी कह सकते हैं. और इसी तरह से हम ये नाम किसी भी उस क्लास के जगह के लिए यूज कर सकते हैं. थिंग्स को दर्शाने वाले कॉमन नाउन के नाम है बिल्डिंग, पेन, पेपर, स्टिक, बस, डॉग, कैट. हम किसी भी डॉग को डॉग कह सकते हैं, किसी भी पेपर को पेपर कह सकते हैं. तो ये सब कॉमन नाउन है. इसके कंपैरिजन में प्रॉपर नाउन जो होते हैं वे खास किसी इंसान, जगह या चीज के बारे में बात करते हैं. तो जब हमने बोला मोहनदास करमचंद गांधी, तो हम एक खास इंसान की बात कर रहे हैं. वह नाम हम सबके साथ, दूसरों के साथ नहीं मिला सकते. यह नाम एक इंसान को बताता है, तो यह एक प्रॉपर नाउन हुआ. और प्रॉपर नाउन में हमें पता है कि हम कैपिटल पहला अक्षर करते हैं, लिखते हैं. राम शर्मा एक दूसरा एग्जाम्पल हुआ कि एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक खास इंसान के बारे में बताता है जो कि राम शर्मा है. आप सबके नाम भी प्रॉपर नाउन है क्योंकि वे नाम आपके बारे में बताते हैं. प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल जगह के बारे में देखें तो न्यू दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि वह खास शहर के लिए बताता है. तो शहर शब्द जो है वह कॉमन नाउन है, पर न्यू दिल्ली जो है वह प्रॉपर नाउन है. और क्योंकि प्रॉपर नाउन है इसके ये पहले अक्षर शब्द के कैपिटल है. दूसरे एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन के हैं न्यूयॉर्क, लंदन, कोलकाता, मैड्रास एंड पेरिस. ये जगह दर्शाते हैं सब. चीज दर्शाने वाला एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है मार्स यानी कि मंगल ग्रह. दूसरे एग्जाम्पल जो ग्रहों के हैं जैसे मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो वगैरह, क्योंकि ये खास जो है प्लेनेट को दर्शाते हैं, खास ग्रह का नाम है, इसलिए ये सब प्रॉपर नाउन है और कैपिटल में है. कैपिटल कहाँ यूज किया जाता है और कहाँ नहीं किया जाता, आप इसके बारे में मेरा प्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर्स के बारे में देखिएगा. Compared to common noun, proper nouns identify specifically a place, person or body. So, when we say Mohandas Karamchand Gandhi, it's a proper noun because it specifically tells about one person. Same way, when we say Ram Sharma, it's a proper noun because it tells about one person whose name is Ram Sharma. Common noun for Ram Sharma will be a man. All your names are proper nouns. Each and every one of you has a name and that name is a proper noun. And that is why we write names with the first capital letter. Proper nouns telling about names of places, examples are New Delhi. Common noun for New Delhi was city. Other examples of proper nouns
इंडिकेटिंग प्लेसेस आर न्यूयॉर्क, लंदन, कोलकाता, मैड्रास, पेरिस एंड नेम ऑफ एनी अदर प्लेस दैट यू कैन थिंक ऑफ. प्रॉपर नाउन इंडिकेटिंग अ थिंग, एग्जाम्पल इज मार्स विच इज अ प्लैनेट. प्लैनेट इज अ कॉमन नाउन, मार्स इज अ प्रॉपर नाउन. सो मर्करी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो, ऑल द नेम्स ऑफ प्लैनेट, दे आर ऑल प्रॉपर नाउन्स. एंड एज वी नो द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ प्रॉपर नाउन इज अ कैपिटल वन इन राइटिंग. हियर लर्न फ्रॉम माई प्रेजेंटेशन ऑन कैपिटल लेटर्स टू सी वेयर टू कैपिटलाइज एंड वेयर नॉट टू कैपिटलाइज. सो हियर इज, यहाँ एक कंपैरिजन है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का. तो सिटी जो है, शब्द सिटी, यह एक कॉमन नाउन है क्योंकि किसी भी शहर को हम सिटी कह सकते हैं. पर लंदन, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये खास शहरों के नाम है. कंट्री शब्द एक कॉमन नाउन है, किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को देश कह सकते हैं. पर अमेरिका, इंडिया, इंग्लैंड, यूएसए, ये देशों के, खास देशों के नाम है, तो यह प्रॉपर नाउन हुए. शब्द मैन या आदमी एक कॉमन नाउन हुआ, पर गांधी, रामा वगैरह प्रॉपर नाउन हुए क्योंकि ये खास लोगों को बताते हैं. इसी तरह से शब्द बिल्डिंग या इमारत एक कॉमन नाउन है, पर हमने बोला गांधी हॉस्पिटल तो वह प्रॉपर नाउन हुआ क्योंकि वह खास बिल्डिंग को बताता है. और हमें पता है कि जो है प्रॉपर नाउन, उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है, जैसा कि हमने यहां दिखाया. This is a table showing comparison between common nouns and proper nouns. So the word city is a common noun. Any city can be called a city, but names like London, New York, New Delhi are proper nouns. Word country is a common noun. Any country can be called a country, but America, India, England, USA is a proper noun. The word man is a common noun, and when we have name of that person like Gandhi or Rama, that is a proper noun. Word building is a common noun. Word Gandhi Hospital is a proper noun. And as we know, the proper nouns are written with the first letter capital as shown here. Ek noun jo hai, wah count noun ho sakta hai ya non-count noun ho sakta hai. और नॉन काउंट नाउन को मास नाउन भी कहते हैं. तो देखें, काउंट नाउन और नॉन काउंट नाउन क्या होते हैं. अ नाउन कैन आल्सो बी अ काउंट नाउन और अ नॉन काउंट नाउन और अ मास नाउन, एंड वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस. काउंट नाउन को आप यूं समझिए कि काउंटेबल नाउन. तो जिस नाउन को हम गिन सकते हैं वे काउंट नाउन या काउंटेबल नाउन हुआ. तो हमने बोला बुक एक काउंट नाउन है क्योंकि हम बुक को उसके आगे नंबर लगा सकते हैं. 5 किताबें, 100 किताबें, तो हम उसके आगे गिन सकते हैं, उसके आगे नंबर लगा सकते हैं, तो वह एक काउंट नाउन हुआ. अ बुक एक किताब है तो अ बुक बोला. काफ़ी किताबें हैं तो क्वांटिफायर लगाया, उसको बोलते हैं क्वांटिफायर, क्वांटिटी बताता है, मैनी बुक्स. उसका हम प्लूरल बना सकते हैं, जैसे शब्द है गर्ल, तो हम गर्ल्स जो है प्लूरल बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं उसका. तो वह एक काउंट नाउन कहलाता है कि जिसको हम गिन सकते हो, जिसके आगे नंबर लगा सकते हो, जिसके आगे क्वांटिफायर मैनी लगा सकते हो, और जिसका हम बहुवचन या प्लूरल बना सकते हैं, वे सब काउंट नाउन होते हैं. सो काउंट नाउन्स आर दोज नाउन्स वेयर वी कैन काउंट दोज नाउन्स. We can add a number in front of those nouns like 100 books, a book, there is one book, or we can use quantifiers like many. So also for count nouns we can make plurals like girl, the plural is girls. So these are examples of count nouns. So काउंट नाउन के फीचर हुए कि हम उसका बहुवचन या प्लूरल बना सकते हैं, बॉय और बॉयज. हम उसके आगे नंबर लगा सकते हैं, जैसे कि 6 बॉयज या 8 बॉयज, जो भी नंबर लगाना है. और उसके पहले हम क्वांटिफायर लगा सकते हैं, जैसे कि मैनी और अलॉट ऑफ, तो मैनी बॉयज, अलॉट ऑफ बॉयज वगैरह.
काउंट नाउन हैज थ्री फीचर्स. वन, वी कैन मेक प्लूरल लाइक बॉय टू बॉयज. द काउंट नाउन टेक्स अ नंबर बिफोर इट लाइक सिक्स बॉयज. इट टेक्स अ क्वांटिफायर विच टेल्स क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स लाइक मैनी और अ लॉट ऑफ. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ काउंट नाउन्स. इसके कंपैरिजन में जो नॉन काउंट या नॉन काउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम गिन नहीं सकते, उनका बहुवचन नहीं बना सकते. उनके पहले क्वांटिफायर मैनी या अलॉट ऑफ नहीं लगा सकते, पर उनके पहले मच, अ लिटिल या लिटिल क्वांटिफायर लगा सकते हैं. सो कंपेयर्ड टू काउंट नाउन्स, नॉन काउंट नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट, वी कैन नॉट मेक प्लूरल एंड वी कैन नॉट पुट क्वांटिफायर लाइक मैनी और अ लॉट बिफोर दोज नाउन्स. बट वी कैन यूज क्वांटिफायर्स लाइक मच, अ लिटिल और लिटिल टू एक्सप्रेस क्वांटिटी. एंड एग्जाम्पल्स विल क्लैरिफाई वॉट आई मीन. उदाहरण से पता पड़ेगा कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूं. शब्द है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डेमोक्रेसी, उदाहरण के तौर पर. अभी मैं इन शब्दों का प्लूरल नहीं बना सकता, वाटर्स, इलेक्ट्रिसिटीज, डेमोक्रेसीज नहीं होते शब्द. इनके आगे मैं नंबर नहीं ला सकता, सिक्स वाटर, सेवन इलेक्ट्रिसिटी नहीं कह सकते. इसी तरह से मैं इन शब्दों से पहले मैनी नहीं लगा सकता, मैनी वाटर नहीं कह सकता, मैनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं कह सकता. तो ये सब नॉन काउंट नाउन है और ये क्वांटिफायर जो ले सकते हैं, जो क्वांटिटी बताते हैं, है मच वाटर, लिटिल इलेक्ट्रिसिटी, हार्डली एनी डेमोक्रेसी. तो ये डिफरेंसेस हुए काउंट और नॉन काउंट नाउन में. और मैंने आपको पहले बताया कि नॉन काउंट नाउन को मास नाउन भी कहते हैं, पर वह शब्द मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता क्योंकि उसको दूसरे शब्दों के साथ जैसे कि मेटीरियल नाउन या कॉन्क्रीट नाउन शब्द हैं उनसे कन्फ्यूज किया जा सकता है. सो हियर आर थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन काउंट नाउन्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डेमोक्रेसी. आई कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ दीज लाइक वाटर्स और इलेक्ट्रिसिटीज और डेमोक्रेसी. आई कैन नॉट पुट अ नंबर बिफोर दीज वर्ड्स लाइक 10 वाटर, 12 इलेक्ट्रिसिटी. एंड आई कैन नॉट यूज मैनी एज क्वान्टिफायर बिफोर दीज. एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स लाइक दिस. However, I can use the quantifier which tells the quantity of this as quantifiers like much or little, much water, little electricity, hardly any democracy. So these are examples of non-count nouns. एक count noun जो होता है, जो हमने अभी देखा कि जिसको गिन सकते हैं, वह एक singular form में हो सकता है, एक वचन जिसको बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म में हो सकता है जो कि बहुवचन बोलेंगे आप उसको, या कलेक्टिव नाउन के तौर पे हो सकता है जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ नाउन है. अ नाउन दैट इज अ काउंट नाउन, वी सॉ जस्ट नाउ व्हाट इज अ काउंट नाउन. इट कुड बी आइदर अ सिंगुलर नाउन, अ प्लूरल नाउन और अ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ नाउन. जो सिंगुलर नाउन है वह एक इंसान को, एक जगह को या एक चीज को बताता है, और यह काउंट नाउन का एक, जो सिंगुलर नाउन है काउंट नाउन होता है, उसको गिन सकते हैं. तो हमने बोला वर्ड, बॉय, हाउस या बुक, यह एक लड़के को बताता है, एक घर को बताता है, एक किताब को बताता है. तो दिस इज अ सिंगुलर फॉर्म. Singular form of noun is a type of a count noun where we talk about one person or one place or one thing. So boy is example of one person, house is example of one place, book is example of one thing. इसके comparison में जो plural noun है वह एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस या थिंग को दर्शाता है. जैसे बॉयज का मतलब बहुत सारे लड़के,
हाउसेस का मतलब दो या उससे ज्यादा लड़के, बहुत सारे का मतलब है एक से ज्यादा, वह अंग्रेजी में बहुवचन होता है दो। तो बुक्स का मतलब है एक से ज्यादा किताबें, तो यह प्लुरल फॉर्म ऑफ नाउन कहलाता है। सिंगुलर फॉर्म से प्लुरल फॉर्म बनाने के थोड़े कानून होते हैं जो आप हमारे मेरे वीडियो प्रेजेंटेशन में सीख सकते हैं कि सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाया जाए। कंपेयर टू सिंगुलर नाउन, द प्लुरल नाउन इज ऑल्सो अ काउंटेबल नाउन बट इट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज इंडिकेट्स मोर देन वन पर्सन्स, हाउसेस इंडिकेट्स मोर देन वन प्लेसेस, एंड बुक्स इंडिकेट्स मोर देन वन थिंग्स, मोर देन वन बुक, मोर देन वन हाउस, मोर देन वन बॉय। देर आर सर्टन रूल्स टू मेक प्लूरल्स फ्रॉम सिंगुलर्स, एंड यू कैन लर्न अबाउट हाउ टू मेक अ प्लूरल फ्रॉम अ सिंगुलर फॉर्म इन माई वीडियो लेक्चर ऑन दिस टॉपिक ऑफ हाउ टू मेक प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर फॉर्म। कलेक्टिव नाउन जो होता है वह एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का नाउन होता है। क्यों डिफरेंट होता है? उसमें हम कई चीजों को एक शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं और इसलिए वह सिंगुलर नाउन बन जाता है। तो हालांकि उसमें बहुत सारी बहुवचन जितनी चीजें हैं, पर वह एक वचन के तौर पर काम में आता है शब्द। जैसे कि मैं बोलूं, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्लास। क्लास बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक साथ कलेक्शन बताती है, पर क्लास एक सिंगुलर वर्ड है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, पर जब मैंने क्लास शब्द यूज किया जो कि कलेक्टिव नाउन है तो वह सिंगुलर है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल हैं आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी का मतलब बहुत सारे सैनिक, पर आर्मी एक सिंगुलर शब्द है। इसी तरह से अगर बहुत सारी मछलियां एक साथ हों तो उसको बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश, बहुत सारे शेर एक साथ हों तो उसको बोलते हैं प्राइड ऑफ लायंस, बहुत सारी भेड़े एक साथ हों तो उसको बोलते हैं हर्ड ऑफ शीप, और बहुत सारे बबून बंदर एक साथ हों तो उसको बोलते हैं कांग्रेस ऑफ बबून्स। तो ये सब कलेक्टिव नाउन हुए। कलेक्टिव नाउन बहुत गिनती के होते हैं अंग्रेजी भाषा में, और आप और कलेक्टिव नाउन जब भी कभी पढ़े तो आप उसके अक्रॉस आए तो उसको लिख लें। कलेक्टिव नाउन इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ नाउन वेयर मैनी और प्लूरल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगुलर फॉर्म। सो फॉर एग्जाम्पल, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इज प्लूरल, बट वेन वी टॉक अबाउट क्लास इट्स अ सिंगुलर वर्ड, दिस इज माई क्लास, सो सिंगुलर। सेम वे वेन वी टॉक अबाउट आर्मी वी आर टॉकिंग अबाउट मैनी सोल्जर्स, बट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय वन वर्ड कॉल्ड आर्मी विच इज अ कलेक्टिव नाउन, एंड दैट्स वाई इट इज अ सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर नाउन, अ कलेक्टिव नाउन विच इज यूज एज अ सिंगुलर फॉर्म। द आर्मी इज मार्चिंग, सो आर्मी इज सिंगुलर इवन दो इट रिप्रेजेंट्स मैनी सोल्जर्स। सेम वे एग्जाम्पल्स आर, इफ दे आर मैनी फिश टूगेदर वी कॉल स्कूल ऑफ फिश, मैनी लायंस टूगेदर वी कॉल प्राइड ऑफ लायंस, इफ दे आर मैनी शीप टूगेदर वी कॉल हर्ड ऑफ शीप, एंड इफ दे आर मैनी बबून मंकीज टूगेदर वी कॉल इट अ कांग्रेस ऑफ बबून्स। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। एक नाउन जो है वह एक कॉन्क्रीट नाउन हो सकता है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। अ नाउन कैन आइदर बी अ कॉन्क्रीट नाउन और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जिसको हम अपने पांच जो इंद्रियां हैं उनसे महसूस कर सकते हैं। तो या तो हम उसको छू सकते हैं उस चीज को, या हम उसे आंखों से देख सकते हैं, या कान से सुन सकते हैं, या नाक से उसको सूंघ सकते हैं, या जीभ से उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम उस चीज को इन पांचों में से कुछ भी कर सकते हैं तो वह एक कॉन्क्रीट नाउन हुआ। तो रूम या बॉय हम उसको छू सकते हैं तो वह एक कॉन्क्रीट नाउन है। रेनबो या स्काई हम उसको देख सकते हैं, वह कॉन्क्रीट नाउन है। स्पीच हम उसको सुन सकते हैं, वह कॉन्क्रीट नाउन है। ओडर यानी कि खुशबू या स्मेल जो कहेंगे, अच्छी
अच्छी जो ओडर है उसको खुशबू बोलते हैं, खराब ओडर को बदबू बोलते हैं, पर ओडर कॉमन शब्द है, तो उसको हम नाक से सूंघ सकते हैं, तो वह एक कॉन्क्रीट नाउन है। तो इस तरह से जो चीज को हम अपनी इंद्रियों से पता कर सकते हैं वह कॉन्क्रीट नाउन है। कॉन्क्रीट नाउन्स आर दोज नाउन्स और दोज थिंग्स दैट वी कैन फील बाय टचिंग बाय आवर हैंड्स, और वी कैन सी देम, और वी कैन हियर दोज नाउन्स, और वी कैन स्मेल दोज थिंग्स, और वी कैन टेस्ट दोज थिंग्स। सो वी कैन फील दोज थिंग्स बाय आवर फाइव सेंसेस दैट वी हैव: टच, आईज, ईयर्स, नोज एंड टेस्ट। सो विद दैट room is an example of a concrete noun, so also the word boy, because we can touch these. Rainbow and sky, we can see them, so they are also concrete nouns. Speech, we can hear it, so it's a concrete noun. Odor, we can smell it, so it's also a concrete noun. Concrete noun ke tulna mein abstract noun jo hote hain unko hum apni panch indriyon se पता नहीं कर सकते, हम उनको छू भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, या देख भी नहीं सकते, या सूंघ भी नहीं सकते, या उसका टेस्ट भी नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर शब्द जैसे कि लव, प्यार, विक्ट्री यानी कि विजय, कमिटमेंट यानी कि किसी के प्रति कमिटमेंट, और हेट जैसे कि नफरत, इन चीजों को हम अपने किसी भी सेंस से, पांच जो सेंस से पता नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। Abstract nouns are those nouns that we cannot touch, hear, see, smell or taste, and examples of such nouns are love, victory, commitment and hate, and there are many more examples that are there for abstract nouns. तो noun की summary ये हुई कि noun एक person, place, thing, material, animal, measure, कंसेप्ट, क्वालिटी या फीलिंग को दर्शाता है। एक नाउन एक प्रॉपर नाउन हो सकता है, या कॉमन नाउन हो सकता है, या कलेक्टिव नाउन हो सकता है, काउंटेबल नाउन हो सकता है, या नॉन काउंटेबल नाउन हो सकता है। काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हो सकता है, या प्लूरल हो सकता है, या कलेक्टिव नाउन हो सकता है, या कंक्रीट नाउन हो सकता है, कॉन्क्रीट नाउन हो सकता है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। सो अ नाउन denotes the name of a person, place or thing, material, animal, measure, concept, quality or feeling. It can either be a proper noun or a common noun or a collective noun. It can be a countable or non-countable noun. If countable noun, it can be a singular noun or plural noun or collective noun. And a noun can also be a concrete noun or an abstract noun. हमारे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट भाषाओं में वीडियो रिलीज होंगे आगे, उनके बारे में मुफ्त जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, जो कि फ्री है। हमारे वीडियो भी फ्री हैं अभी भी, और हमेशा के लिए वे फ्री ही हैं। आगे आने वाले भी हमारे वीडियो फ्री ही होंगे। इस साइट के बारे में इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, पूरी दुनिया में अवश्य शेयर करें, क्योंकि बांटने से ज्ञान और भी बढ़ता है। जिस तरह मैं आपके साथ बांट रहा हूं, आप इसको औरों के साथ बांटें। इस सब के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नाउ सब्सक्राइब नाउ फॉर फ्री टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन आवर एजुकेशनल वीडियोस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एज एंड व्हेन दे आर रिलीज्ड। Click here on the screen and subscribe for free. Our videos are free for now and forever for everyone in the world. Also, do not forget to share information on this site with your friends and family worldwide, because knowledge shared is knowledge multiplied.